वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइम हम पहुंच चुके हैं लेह लद्दाख। दोस्तों काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे और ऊपर आपने देखा होगा पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं। मई का महीना चल रहा है दोस्तों, तो ऐसे आज थोड़ा घूमने का मूड बन गया था तो हल्की फुल्की जैकेट भी पहना हुआ है हमने। दोस्तों बादल छाए हुए हैं, बच्चा छोटा सा खेल रहा है यहाँ पे। दोस्तों इस टाइम हम ले लद्दाख में हैं और काफ़ी यहाँ का मौसम ठंडा है, लगभग 10-15 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। अगर नीचे के मुकाबले अगर जैसे कि दिल्ली के मुकाबले हम देखेंगे तो यहाँ काफ़ी ठंड है। मौसम बादल छाए हुए हैं। तो ये यहाँ का बाजार है, यहाँ पे साइड में लोग जूता कपड़े वगैरह बेच रहे हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज सपोर्ट मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों ये है यहाँ का बाजार, देखिए यहाँ पे कपड़े। अगर दोस्तों आप लोगों ने कहीं घूमने का प्लान बनाया हुआ तो लेह लद्दाख मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट रहेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम है और यहाँ के लोग भी बहुत पीसफुल माइंड के हैं। तो हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ का बाजार काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक थोड़ा ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा सांस फूल रही है। तो दोस्तों यहाँ का मार्केट, ये है ले गेट, ये ले गेट है। तो आंटी क्या बेच रही है, खुमानी है। ये यहाँ का लोकल फ्रूट है, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में ये पकता है, उसके बाद इसको सर्दियों में सुखा लेते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका। अच्छा मौसम है, यहाँ का बादल भी छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिरेगा। मैं तो काफ़ी खुश होऊंगा अगर बर्फ गिरेगा तो, काफ़ी अच्छा लगता है स्नोफॉल देखने को। तो फाइनली हम अभी पहुँचने वाले हैं मेन एंट्रेंस, जो मेन बाज़ार है। टैक्सी स्टैंड दोस्तों, आप कभी भी ले लद्दाख आओ तो यहाँ से आपको टैक्सी आराम से मिल जाएगी। आप यहाँ से टैक्सी बुक करके जा सकते हो कहीं पर, जैसे कि आपने पैंगोंग लेक जाना है या नुब्रा वैली देखना है या संगम जाना है। हाँ और मतलब लद्दाख में कहीं में भी आपने घूमने तो टैक्सी आपको आराम से। कैसे कमाया बोला ना ट्रिपोड जरूर करना चाहिए, मोबाइल पे टकर के वीडियो बना देना। चैनल बोला सब्सक्राइब करने में आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों। दोस्तों मैंने नया चैनल खोला है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे ना ये बाज मैं बंद करके बीच फिर दोबारा रिकॉर्ड करके फिर फिट करनी है बीच बाज।
तो दोस्तों ये यहाँ का मोती मार्केट है, इसको मोती मार्केट बोला जाता है। मारना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ शॉपिंग करने को मिल जाएगा, जैसे कि मोती वगैरह, ओरिजिनल मोती यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे घूमने आए, यहाँ से मोती खरीद के ले जा सकते हो, काफ़ी अच्छे होते हैं। उसका जो ज्वेलरी वगैरह होती है तो लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा लगता है उनको पहने हुए, मोती मोती के हार हो गए जैसे। देखिए चश्मे का दुकान, पता नहीं मैं देखूँगा दोस्तों। ये इनका माने हैं, ये इनकी मान्यता है, इसको घुमाते हैं और जो भी अपनी पूजा पाठ के उसमें करते हैं तो उसमें इसको घुमाया जाता है। इसको घुमाते हैं, माने बोलते हैं इसको। मैं भी घुमाता हूँ, अभी मैं भी घुमाते हुए चल रहा हूँ। वेलकम टू मोती मार्केट, मोती मार्केट, इसको मोती मार्केट बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के और अच्छे अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। पहले दोस्तों छाया था, बादल छाए हुए थे, बादल तो अभी भी छाए हुए दोस्तों अभी, लेकिन मौसम थोड़ा धूप निकल गई है। यहाँ पे G20 के बोर्ड भी लगे हुए हैं। दोस्तों वो जो साइड में दिख रहा है ना, वो जो दुकानें, छोटी छोटी सी दुकानें, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सामान मिलता है। हाँ ये रहा दोस्तों, इसको बोलते हैं तिब्बती मार्केट, तिब्बती मार्केट, मार्केट। हाँ जी ये रहा तिब्बती मार्केट, इसके अंदर में तिब्बती मार्केट में है, इनके इसके अंदर में दुकानें हैं, वहाँ पे भी सामान बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और हम अभी जा रहे हैं अपने घर, तो मिलेंगे अगली वीडियो में फिर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फेस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, वेलकम टू लेह लद्दाख, बाय बाय।